नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सैन के बीएमसी की मनमानी से परेशान दुकान वालों ने एक मोर्चा खोल ली है। जी हाँ, आपको बता दें कि सैन के इस इलाके के सारे दुकान वालों का आरोप है वार्ड ऑफिसर पर कि वह जबरदस्ती अपनी मनमानी से यहाँ पे एंड पार्क चालू करना चाहते हैं, जिसका खामियाजा हम दुकान वालों को भुगतना पड़ेगा। दुकान वालों ने बताया कि यह जितनी भी दुकानें दिख रही हैं, यह सारी गैरेज से रिलेटेड दुकानें हैं और यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ पार्किंग होती है और गरीब मैकेनिक यहाँ पे बैठ के काम करते हैं। लेकिन यह चीज़ शायद वार्ड ऑफिसर और बीएमसी को हजम नहीं हो रही है और अपनी जेबें भरने के लिए पे एंड पार्क का कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। लोगों ने बताया कि यहाँ पे एंड पार्क की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आइए देखते हैं क्या कहा स्थानीय दुकान वाले और क्षेत्रीय जनता ने। मामला ऐसा है, ये शिवसेना उधर वातु सेना ऑटोमोबाइल यूनियन बनाई हुई है, 2 साल हो गए इसको। यहाँ पे 50 साल से जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं और जो वर्कर है, जो काम कर रहे हैं यहाँ पे आम पब्लिक, वो 50 साल से यहाँ काम कर रही है। पर बीएमसी एफ नॉट माटुंगा वार्ड ऑफिसर के द्वारा, केशव उबाले जी जो वार्ड ऑफिसर हैं यहाँ के, उनके द्वारा यहाँ पे पेन पार्क का ऑर्डर निकाला गया, जिसमें ये पूरा रोड 32 नंबर 16 नंबर 33 नंबर 29 ऐसे काफ़ी रोड है, एरिया पूरा सब जगह पेन पार्क निकाल दिया गया है। और उस बारे में हमने जब चर्चा करने की उनसे बात की, हम उनको मिलने गए 2-3 बार, वो हमसे मिले नहीं। हमने लास्ट में भी एक आरटीआई डाला, को वार्ड ऑफिसर हमको मिलने को तैयार नहीं है। हमने उनको फ़ोन पे बोला कि सर, हमको चर्चा करनी है आपसे जरा इस बारे में कि ये पेन पार्क क्यों निकला, क्या वजह है। तो मुझे फ़ोन पे खाली इतना बोला उन्होंने कि आप ट्रैफिक ज़्यादा होती है, उसके लिए हम पेन पार्क कर रहे हैं। तो हमने बोला ठीक है, हमको थोड़ा समय दीजिए, मिलना है आपसे, हम इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने खुला बोला जब समय होगा आप बुला लेंगे। ट्रैफिक यहाँ पे हो रही है तो गाड़ियाँ खड़ी होगी, तो ट्रैफिक होगी जाम। पहली बात तो ट्रैफिक यहाँ हो रही नहीं, अब इतने लोग खड़े हैं 500 लोग तो भी देखिए ट्रैफिक नहीं है जरा भी। तो यहाँ जब खाली गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वो सामान लेती हैं और निकल जाती हैं। जो हमारे यहाँ गाड़ियाँ आती हैं दुकानों पे काम के लिए, वो खाली आती हैं, सामान लेती हैं या बहुत हुआ सीट कवर फिट किया, व्हील कैप फिट किया और चली जाती हैं। जो पे एंड पार्क होगा वो 24 घंटे के लिए होगा। ये आपकी बात ठीक है कि ट्रैफिक उससे जाम होगी, इससे नहीं हो रही। क्या कहेंगे महापौर के पास आप गए थे, आपने लेटर बाजी किया है महानगर पालिका में, फिर वहाँ से क्या सुनवाई? अभी हमने हमारे जो महापौर है उनसे नहीं मिले अब तक। हमने पहला वार्ड ऑफिसर को मिले, जहाँ से नोटिस आया है, जहाँ से पे एंड पार्क का ऑर्डर निकला है, हम पहले उनके पास गए। तो जब नहीं मिले, हमने फिर उनको निवेदन दिया, परसों हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने क्लियर बोला कि हमने फीस भी ले ली है और हम पे एंड पार्क चालू करेंगे। उस विषय पे हमने माननीय खासदार राहुल सवारे साहब को पत्र लिखा था, हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं इंद्रजीत सिंह बाल साहब, उन्होंने तो उस पत्र के द्वारा राहुल सवारे साहब ने कल के कल बीएमसी कमिश्नर, जॉइंट ट्रैफिक कमिश्नर और वार्ड ऑफिसर केशव वाले, इन सबको पत्र भेज दिया। उस पत्र में ऐसा लिखा है, रिक्वेस्ट की है इनको कि यहाँ 50 साल से दुकानदार बिजनेस कर रहे हैं, 1200 से 1300 लोग जो आम जनता है, जिनका खाली रोजी रोटी कमाना काम है, वो किसी से लेना देना नहीं, ऐसे लोग जो 50 साल का धंधा कर रहे हैं, 1200-1300 परिवार, उनके ऊपर से हमने एक रिक्वेस्ट की है उनके माध्यम से। वो हमारे पास आए थे, उन्होंने राइटिंग में पत्र दिया हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष को, जितनी दुकानें इधर 60 दुकानें हैं, 60 दुकानदारों ने हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है बल साहब, इंद्रजीत सिंह बल साहब, उनको पत्र लिखा, उसमें ऐसा निवेदन किया कि हम यहाँ 50 साल से बिजनेस कर रहे हैं। अभी आपको देते हैं 5 मिनट में कॉपी दे देते हैं, हर आपको जितने प्रेस वाले सबको इसकी जॉक्स दे देंगे हम। उसमें बीएमसी को पत्र लिखा है राहुल शिवाले साहब ने, खुद हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष जब उनको भेजा कॉपी राहुल शिवाले साहब को, आज तक कभी नहीं खुला, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। आपकी संस्था जो है वास्तु सेना, शिवसेना प्रणीत, शिवसेना संलग्न है, शिवसेना बीएमसी के सत्ता के अंदर बैठी, जब आप लोगों की बात बीएमसी नहीं सुन रही है तो आम जनता की कितनी परेशानी होती है, इसका भी उनको अंदाजा है? इसका ऐसा ना सर, ये बात नहीं कि शिवसेना की बात वहाँ नहीं सुनी जाती। कुछ अधिकारी हैं, जैसे केशव उबाले वार्ड ऑफिसर है, ऐसे कुछ अधिकारी हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, हर अधिकारी ऐसा नहीं है हमारे हिसाब से। और सत्ता हमारी है, मेयर हमारा है, डिप्यूटी मेयर हमारा है, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हमारा है, आपकी बात ठीक है, पर मैं फिर बोलता हूँ, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जैसे केशव उबाले वार्ड ऑफिसर, ऐसे लोगों ने अपनी धांधली की हुई है और दादागिरी रखी है। पर हमने इस विषय पर ऊपर तक, ये उसका सबूत है
कि हमने ये पत्र ऊपर तक दिया है। अगर आपकी मांगे नहीं मान्य होती है, आज क्या कदम होगा आप लोगों का? हमने क्लियर बोला है केशव वाले साहब को, वार्ड ऑफिसर को, परसों जब निवेदन देने गए थे, कि अगर उनको हमने रिक्वेस्ट की कि हमको समय दीजिए 2 महीने का, हम इस पर चर्चा करेंगे, जरूर पड़े हम कोर्ट तक जाएंगे, पर हमको समय दीजिए, डायरेक्ट ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपने हमको कोई नोटिस नहीं दिया, हमसे कोई चर्चा नहीं की, 50 साल से आप इधर बैठे दुकानें लेके, तो एक बार हमको बोलना चाहिए आपकी दुकान के पेन पार्क, उस विषय पे उन्होंने बोला वो हमारी मर्जी है, हम मर्जी कोई ऑर्डर निकाल सकते हैं। जब उन्होंने ये बात बोली तो हमने वहाँ हाथ जोड़ के बोल दिया ठीक है आप अपनी मर्जी कीजिए, अगर जो 1200 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जो आम जनता आम पब्लिक है, उनके साथ गलत होगा तो शिवसेना और शिवसेना उधर वातुक सेना चुप नहीं बैठेगी, हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे, बेमुद्दत भूख हड़ताल पे। से ये बहुत ही गलत काम इन्होंने, बहुत ही गलत स्टेप उठाया है इन्होंने। यहाँ पर 50 साल से ज़्यादा पुरानी दुकानें हैं और हम लोग यहाँ पर अपना बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पर गाड़ी खड़ी होती है, कस्टमर आता है, सामान लेता है, चला जाता है। यहाँ पर किसने गाड़ी खड़ी कर दी, ला के 50 रुपये का टोकन कटवा लिया, सुबह आके खड़ा किया, रात तक इधर से हलेगा नहीं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आज किसी को गाड़ी कोई पेन पार्क पे खड़ी कर देगा, उसको ज़रा सा बोलो हटाने को तो लड़ने मरने पे आ जाते हैं। आज करोड़ों रुपए की दुकान लेके हम अपनी दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी ना कर सके तो कहाँ जाए गाड़ी खड़ा करने को? और पेन पार्क जो होता है ऑडिटोरियम के बाहर होता है, थिएटर के बाहर होता है, क्रिकेट मैदान के बाहर होता है, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, कुछ समय के लिए आती हैं और चली जाती हैं। आप बिजनेस एरिया में कैसे पेन पार्क दे सकते हो? और अगर देना ही है तो हम दुकानदारों को पूछ ले, भाई हम ये टेंडर निकाल रहे हैं, आप लोग मिलके ले लो, ताकि आपको बिजनेस भी ना जावे और म्यूनसिपाल्टी को इनकम भी मिले, तो बैलेंस करके भी चला जा सकता है ना। ये तो एक तरफा फैसला है, जो हमने कहा वो हो गया, वो हमारा कानून हो गया, जो बोल दिया जो हमारा कानून हो गया, ये गलत है, इस पहलू पे जरूर सोचना चाहिए और आगे इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ जो गरीब लोग काम कर रहे हैं, जो जहाँ जो दुकान है, दुकान में जो लोग काम कर रहे हैं, इनकी जो फैमिली है, इनके कमाई के ऊपर इनके फैमिली के पेट पलते हैं, इनके गरीब बच्चे छोटे छोटे बच्चे होंगे जो पढ़ाई लिखाई है, अगर इनके धंधे बंद हो जाएंगे, यहाँ पे पेन पार्क लग जाएगा तो इनके रोजी रोटी बंद हो जाएगी, रोजी रोटी बंद हो जाएगी तो इनके परिवार कैसे पलेंगे? तो ये हमारे बीएमसी जो ऑफिसर है वाले साहब, उनको भी सोचना चाहिए, हमारे सत्ता को भी सोचना चाहिए और हमारे जो सरकार है बीजेपी के, उनको भी सोचना चाहिए, इतना ही मुझे कहना है। सर बीएमसी ऑफिसर से यही बोलना चाहता हूँ मैं, कितने साल से हम लोग, इतने साल से हमारे दुकानें हैं, दुकानें 50-60 साल से चल रही है, इनके दुकानों की वजह से कम 1000 से 1200 आदमियों का घर चलता है। अब एक आदमी घर में, अगर 4 आदमी हैं तो उसके हिसाब से 5000 आदमी के पेट का सवाल है। उन लोगों ने किसी से पूछा नहीं, कुछ नहीं किया, इतने साल से काम कर रहे हैं, कम से कम एक कमेटी मेम्बर या कुछ भी करके यहाँ से मीटिंग लेके कुछ कर सकते तो पूछ सकते थे कोई चीज़, उन लोग कोई चीज़ पूछा नहीं है। आज गवर्नमेंट बोलती है कि पढ़ाओ बच्चों को, आगे बढ़ाओ। आज हमारे लिए जो पोजीशन चल रहा है, जिसे नोटबंदी आई, उसके बाद आपका GST आया, उसके बाद वैसी जो बिजनेस था 20% 30% रह गया है आज के तारीख में, आधा मतलब बच्चों को हम लोग पेट भर के खाना भी नहीं खिला सकते, वो पोजीशन है। उसके बावजूद अगर ये बंद हो जाता है, इतने आदमी कहाँ जाएंगे? आज कुछ ये पोजीशन आ जाएगा कि चोरी होगी, क्राइम होगा, तो ये गवर्नमेंट इसके बारे में ज़रा ध्यान दे। इतने पब्लिक है, इतने आदमी हैं, इनके बारे में, बच्चों की शिक्षा के बारे में, आज बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, अगर हमारा एक काम बंद हो गया तो बच्चों की अधूरे में, आधे में रह जाएगी जो शिक्षा उनको लेनी है, वो सब आधे में फंस जाएंगे, फिर क्या होगा? वो बोलते हैं देश तरक्की तरक्की, कहाँ देश करेगा तरक्की? आज खाने को नहीं है तो तरक्की, बच्चे पढ़ाएंगे तो बच्चे कहाँ तरक्की, कहाँ क्या होगा? फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।